कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माई चैनल बी हाउस वाइफ। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बजे हैं 9:15 और आज है फ्राइडे। तो आज अमावस्या है, तो मेरे जो मॉर्निंग के जो काम होते हैं, जैसे कि एक हाउस वाइफ के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ये सब डस्टिंग, तो वो सब मेरी हो चुकी है। और उसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ, क्योंकि आज है अमावस्या तो उसका खाना बनाना है। और अभी 9:15 हुए हैं और मैं 1 घंटे में अमावस्या की जो थाली है वो तैयार कर दूँगी। तो चलिए मैं आपको बताऊँगी आज अमावस्या पे हमारे यहाँ क्या बन रहा है। तो ये महीने में अमावस्या आती है और आप सब भी करते होंगे, तो कौन कौन करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और करनी भी चाहिए। तो ये देखिए, ठीक 9:15 हो रहे हैं अभी, और अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैंने बाल अच्छे से बांध लिए हैं। वैसे तो मुझे हेयर वॉश करना था, लेकिन अमावस्या की वजह से ना मैं हेयर वॉश नहीं करा आज। और कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि कल है सैटरडे, तो बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म धोनी है। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। यहाँ पे मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, और मटर है ये, और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी का मसाला पेस्ट है जो हरी मिर्च और टमाटर का है, और हरी मिर्च पीस के रख दिए हैं, अरवी उबाल के रख दी थी। और अब इसके बाद चलते हैं कि एक गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, एक गैस पे कुकर और एक गैस पे खीर रखी है। तो अभी सबसे पहले जो है मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, मटर की जो भंडारी जैसी होती है, और पूड़ी से ना आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैं बिल्कुल वैसी ही बनाती हूँ। और हमारे घर में ना सबको ये बहुत पसंद है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों में तेल डाला है, और जो तेल होता है ना, जब हम पूजा का कोई काम करते हैं या फिर पूजा का खाना बनाती हूँ, तो मेरा ना एक अलग ही तेल रखा रहता है जो पूजा का होता है। और जो अब जैसे मैं अमावस्या पे पूड़ी उतारूँगी और उसका जो तेल बच जाता है ना, तो वो फिर मैं वो डेली यूज़ में ले लेती हूँ। तो जो भी खाना बनता है पूजा पाठ का, साफ़ सफाई के साथ ही बनाना चाहिए। और अभी मैं सबसे पहले ना टमाटर आलू छौंक रही हूँ, क्योंकि अभी अरवी का मैंने गैस थोड़ी सिम कर दिया, क्योंकि दोनों एक साथ अगर करूँगी तो क्या पता मसाला जल जाए। तो इसीलिए पहले, जब तक ये मसाला भुनेगा आलू टमाटर का, इतने में अरवी को छौंकने के लिए तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने जीरा डाला है, हींग डाली है, क्योंकि आप सबको पता है जब भी पूजा का खाना बनता है तो हींग जीरे से ही बनता है, लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे बस मैंने जीरा डाल के, और उसके बाद डाल दिए हैं सारे मसाले। और अभी जितने भी मैंने टमाटर आलू में बेसिक जो मसाले होते हैं ना, वो मैंने डाल दिए हैं, और फिर अरवी की तैयारी करी है। तो अरवी में मैंने तेल डाल ही दिया था पहले, और अभी गर्म हो चुकी हैं। और गर्म होने के बाद मैंने इसमें अजवाइन डाली है, हींग डाली है खूब सारी, और जो मैंने हरी मिर्च पीस के रखी थी ना, वो मैंने डाल दी है। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालती हूँ मैं। तो ये भी अच्छे से हरी मिर्च भून रही हैं, क्योंकि ना इसका जो हरी मिर्च का जो कच्चापन होता है ना, अगर ये अरवी में आ जाए तो अच्छा ही नहीं लगती अरवी। तो ये दोनों ही मसाले गैस पे अच्छे से भून रहे हैं, और जब तक ये थोड़ा सा ऑयल रिलीफ करेगा तब तक मैं इनको भूनती रहूँगी। तो आलू टमाटर का मसाला तो देखिए तैयार हो गया है, इसमें से तेल छूटने लगा है। तो अब मैं डाल दूँगी आलू मटर, बाकी मैं डालूँगी फिर बाद में अरवी। तो यहाँ पर जो मेरी मटर है ना, वो मैंने पहले से ही धो के इसमें रख ली थी आलू सब्जी में। तो यहाँ पे बस मैंने अभी आलू और मटर को डाल दिया है, मसाले में मिक्स कर दूँगी। और ये हमारे जो चिप्सों ना आलू होते हैं ना, यही आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं, और जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे मटर और आलू डाल के थोड़ा सा डालूँगी इसमें पानी, लेकिन एक सीटी मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि मटर हैं तो ऐसे तो नहीं गलेंगे कि मैं इनको मतलब ढक के उबाल के रख दूँ। तो एक सीटी मैं ज़रूर लगाऊँगी ताकि अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए, और बाद में डाल दूँगी धनिया। तो मैंने ये आलू और मटर को अच्छे से चलाने के बाद थोड़ा सा डाला इसमें पानी, करीब 1 गिलास पानी होगा। और अरवी भी, अरवी का जो मसाला है वो भी भुन गया है, तो अब मैं फिर डालूँगी अरवी। तो इस तरीके से ना मैं पहले ही मतलब मन में सोच लेती हूँ कि इस तरीके से मुझे काम करना है, इस तरीके से मुझे सब्जियाँ बनानी है, खाना बनाना है, तो मेरा ना काम फटाफट हो जाता है। और फिर मैं अपनी जो अमावस्या की थाली है वो तैयार कर दूँगी। तो ये देखिए अरवी है, अभी इसका भी मसाला अच्छे से भुन गया है। तो हमारे यहाँ तो अरवी ऐसी ही बनती हैं, और
बाकी मैंने देखा जैसे मैं अभी अपनी बहन के गई थी तो वो उनकी भी बनती है लेकिन वो कटिंग करके बनाती हैं ऐसे उबाल के तो बनाती हैं लेकिन फिर बाद उसको कटिंग कर देती हैं, तो वो अरबी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और ये हमारे यहाँ की जो अरबी हैं ये भी टेस्टी लगी हैं। और जो मेरे मायके में है ना वो हरी मिर्च की नहीं बनती है फ्रेंड्स, वो तो बस लाल मिर्च की ही बनती है, ना उनको ऐसे पिचकाया जाता है, बस ऐसे उबाल के ही बनाते हैं। तो ये जो अरबी हैं ये मैंने यहीं आके सीखी थी। तो मेरा जो खाना होता है ना वो हेल्दी होता है और हेल्दी लाइफस्टाइल ही रहती है मेरी। कोई भी मैं खाना ऐसा नहीं बनाती कि ज़्यादा ऑयल हो, ज़्यादा चटपटा हो, चटपटा भी होता है लेकिन इतना नहीं कि मतलब आपको बाद में दिक्कत करे। तो यहाँ पे सब्जी और खीर बन रही है, उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो पूड़ियों के लिए आटा गूँथ रही थी और एक पूड़ी का आटा बहुत ज़्यादा टाइट मला जाता है, कितना भी टाइट कर लो लेकिन ना फिर भी जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो थोड़ी देर के बाद ही ना सॉफ्ट सा हो जाता है। तो मैं ना जितना भी मुझसे हो सकता है मैं उतना ही टाइट कर देती हूँ आटे को पूड़ियों का। आज कचौरी नहीं बन रही है, बस पूड़ी बनेंगी और बूंदी का रायता है। तो अभी मैं इनको कह कर आई थी कि नहा लो, बाकी मेरा सारा काम तैयार हो चुका है, जब तक ये नहा कर आएंगे तब तक पूड़ी भी सेक दूँगी। और यहाँ पे ना फिर मम्मी और ये करेंगे पूजा और उसके बाद मुझे लगानी है मशीन। बस मैं अमावस्या का ही इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से अमावस्या की थाली निकले और मैं फिर कपड़े धोऊं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि फ्राइडे की अमावस्या, मैं सोच रही थी सैटरडे की है और उससे पहले थर्सडे पड़ गया तो कपड़े धोना पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो अभी बस ज़्यादा कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आटा गूँथ दिया है, उसके बाद बना रही हूँ पूड़ियाँ। और मेरी मम्मी कहती थी कि सर ढक के अगर पूड़ी बनाओ तो ऑयल ना कम लगता है, ऐसा होता है फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर ढक के पूड़ी बनाते हैं तो ऑयल कम लगता है या फिर और कोई बात होती है इसमें। तो हमेशा ना मैं सर ढक के ही पूड़ी बनाती हूँ, मतलब ये बड़े बूढ़ों की बात है पहले की जो हम आज तक इन बातों को लागू करते आ रहे हैं। तो अभी हम बस पूड़ी तैयार कर दूंगी और उसके बाद एक थाली लगा दूंगी। और हमारे यहाँ ना अंगारी पर पूजा होती है, जो देवताओं का जो खाना निकलता है ना वो अंगारी पे निकलता है। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बन रही हैं, एकदम फूली फूली सी। और मुझे ना पता, जब बनाती हूँ तो मुझे एकदम धुआं उठता है ना खाना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पूड़ी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए गाइस, अमावस्या की जो खाने भोजन की थाली है ना, मतलब जो पूजा के लिए जाएगी वो ये थाली तैयार हो चुकी है। और ये जो खाना है ना, आप मुझे एक बात बताना, ये मंदिर में देना चाहिए या फिर गाय को देना चाहिए? तो अभी हम तो मंदिर में ही देके आते हैं पंडित जी को, लेकिन मम्मी जी बता रही थी वहाँ से आने के बाद कि ये जो खाना होता है ना आप गाय को दो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे बस पूजा की सारी तैयारी जी मम्मी जी ने कर दी थी और उसके बाद ये दोनों कर रहे हैं पूजा। मम्मी जी हमेशा साथ में बैठती हैं और थोड़ा सा ना पर्दा करती हैं, ताकि कहते हैं कि देवताओं से करते हैं। और अमावस्या की जो पूजा हो गई थी उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी। और फ्रेंड्स, मैं उस दिन कह रही थी ना आपसे पिछले ब्लॉग में कि मशीन में करंट आ रहा है, तो वो मेरा वहम नहीं था, सच में ही आ रहा है। तो मुझे ना ये मशीन दिखानी पड़ेगी, कहीं तार टच हो गया होगा। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े धो तो लिए हैं गाइस, अमावस होने के बाद मैंने धोए हैं कपड़े, क्योंकि कल सैटरडे है तो वाइट यूनिफॉर्म हफ्ते में दो बार धोनी पड़ती है मुझे। और अभी मौसम देखो, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और अभी हल्की सी धूप निकल गई है, तो कपड़े सुखाऊंगी। और ये देखिए मेरे प्लांट्स, जो कि मुझे ना अभी प्लांटर में लगाने हैं ये। तो गाइस, जैसे ही मैं कपड़े लेकर आई ना, वैसे ही समरसेबल चलाया था, पानी भर गया था, ओवरफ्लो हो गया था, तो उसको बंद करने के लिए गई। उसके बाद मैंने कपड़े सुखाने शुरू करे। मुझे ना मतलब एक डाउट सा हो रहा था कि सुखाऊं या ना सुखाऊं, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है।
अगर एक बार अच्छे से बारिश हो जाए ना तो फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कभी बारिश हो रही है, कभी हो रहा है, कभी धूप निकल जाती है, तो इससे ना बड़ी दिक्कत होती है। और कपड़े धोने मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे आज के, तो यहाँ पे बस कपड़ों को अच्छे से झाड़ के सुखा रही हूँ, थोड़ी हवा तो लगी जाएगी। अगर बारिश भी अगर होने लगी तो फिर मुझे उतारने पड़ेंगे दोबारा से कपड़े। तो अभी मैंने जो लॉन्ड्री हैंगर है ना मेरे पास, वो मैंने मतलब ऊपर रखा हुआ है छत पे, तो वो मैंने भी उतारा नहीं है। वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे, उस पर कपड़े डाल दो और पंखे के नीचे ना आराम से सूख जाते थे। जब ये मेरी बेटियाँ छोटी थी ना तो मैं ऐसे ही करती थी, क्योंकि बार बार देखो छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार तो कपड़े नहीं उतार सकती क्योंकि मुझे और भी काम होते थे। तो मैं क्या करती थी कि पहले ना लॉन्ड्री हैंगर पे ही कपड़े डाल देती ऐसी बरसाती मौसम में ना, और फिर मतलब पंखे के नीचे डाल देती, तो सुबह तक बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते थे कि जैसे आपने धूप में सुखाए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, धूप में कपड़े सुखाने की बात और ही है और घर में और पंखे में सुखाने की बात और ही है, क्योंकि हर चीज़ में से ना बरसाती मौसम में महक सी आने लगती है। गाइस, अभी देखो कपड़े डाले हैं और अभी मौसम देखो साफ सा भी है और थोड़ी बादल भी आ रहे थोड़े थोड़े, लेकिन बारिश शुरू हो गई है, मुझे फिर से कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा कपड़े उतारूँ कि नहीं उतारूँ, उतार फिर आराम से लेट भी नहीं सकती। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उतार ही लेती हूँ, अंदर डाल दूँगी, वरना फिर मैं ना आराम से लेट भी नहीं सकती। वही डर सा रहेगा कि बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, तो मुझे अभी कपड़े उतारने पड़ रहे हैं दोबारा से। तो गई मैं कपड़े उतार लाई हूँ और मैं अब लेट गई हूँ, 12:30 हो गए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। सुबह 4:30 बजे की उठी थी, एक नॉन स्टॉप सारा काम करती रही। और अमावस थी आज, तो अमावस्या का खाना भी और उसके बाद कपड़े धोना, और अब जैसे ही कपड़े सुखाने गई ना तो मैं एकदम से बारिश हो गई। पहले तो मैंने सारे कपड़े सुखा दिए, फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश भी इतनी तेज़ नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, फिर भी मैंने ना अंदर रख लिए कपड़े। तो मैंने सोचा कि जब एक बार में देखूँगी, अभी मैंने हो जाए तो हो जाए बारिश अच्छे से। ऐसी बारिश मुझे बहुत बुरी लगती है कि ना तो ढंग से बारिश होती है, ना ही ढंग से धूप निकलती है, इससे ना घर गंदा भी हो जाता है, चिपचिपा। तो मुझे बारिश ना बहुत कम पसंद है। मतलब तो हाँ, ठंडी हवा चल जाए, मौसम अच्छा हो जाए, बादल आ जाए, इस तरीके के मुझे मौसम अच्छा लगता है। लेकिन बारिश ना बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलाती है, मक्खियाँ इतना हो जाता है, चिपचिपा एकदम हो जाता है पूरे घर में। तो सारे घर में साफ़ सफाई करने के बाद तो अब मेरा सारा काम हो गया। बच्चे भी अभी 2:30 बजे तक आएंगे, तो अभी 12:30 हो गए हैं, और मैंने ना थोड़ा सा अंधेरा कर लिया अपने कमरे में, मतलब पर्दे वर्दे सब लगा के थोड़ी लेटूंगी। अगर नींद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कपड़े फिर से डाल के आऊँगी, अगर देखूँगी मौसम ठीक है ना तो फिर रात को डाल दूँगी घर, मतलब कमरों में डाल दूँगी पंखों के नीचे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे हो गई है अब शाम की पूजा, और एक आपको दिखाती हूँ कि ऐसे मौसम में भी रात को क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और आस पड़ोस के बच्चे भी आ गए हैं। बार जीरो रन है, कितने रन है अभी? 6 रन हो गए। छक्का मार दो ना। छक्का अभी नहीं मारा था, तो मार गई थी कुर्सी पे। 6 रन हो गए। अरे उसकी हाइट सब पर दे रहे हो।